वक्त आप जानिए रूस और यूक्रेन के बीच में तो युद्ध चल रहा है, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचाएं उससे पहले दूसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। और खबर ये मिल रही है पंजाब से, जहां पर पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ हुई है। गुरदासपुर में मुठभेड़ की घटना सामने आई है, बटाला में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़ की खबर, उस वक्त की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हुई और ये जो इलाका है इसे चारों तरफ से फिलहाल सील कर दिया गया है। मुठभेड़ में गैंगस्टर बबलू गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने पत्नी और बच्चे को हिरासत में लिया है। गैंगस्टर के पास से दो पिस्टल भी बरामद कर ली गई हैं। अभी फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो इसको लेकर पहले से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं पंजाब के गुरदासपुर में, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ की खबर और उसी दौरान की तस्वीरें। अब कैसे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है, कैसे पुलिस फोर्स अब चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हुए सर्च ऑपरेशन चला रही है, ये इसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुठभेड़ में गैंगस्टर जो बबलू है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी पत्नी और बच्चे को हिरासत में लिया गया है, उसके पास से दो पिस्टल बरामद हुई है। पंजाब पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी, दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हुई और चारों तरफ से इलाके को घेरा गया, तब जाकर बबलू नाम के इस गैंगस्टर तक पहुंची है पंजाब पुलिस और फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। गुरदासपुर का ये बटाला इलाका है जहां पर गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन उधर बदमाशों की तरफ से पुलिस टीम पर भी फायरिंग हुई। रुक रुक कर दोनों तरफ से फायर होता रहा, दोनों तरफ से रुक रुक कर हुई इस फायरिंग में काफी वक्त गुजरा। मौके पर फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात है। जो आसपास के लोग हैं वो थोड़ा दहशत में हैं क्योंकि एक के बाद एक कई फायर हुए, जिसके बाद लोग थोड़ा डरे सहमे नजर आए, लेकिन पुलिस ये इंश्योर कर रही है कि पूरी तरह से इलाका सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इसीलिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। बबलू नाम के गैंगस्टर की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन और कौन बबलू के साथ शामिल यहां इस मुठभेड़ में था, क्या कोई और साथी भी था, ये पता लगाने की कोशिश फिलहाल गुरदास पुलिस की तरफ से हो रही है। मौके पर पुलिस का काफिला, ये गाड़ियां और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर में, जहां पर मुठभेड़ हुई। लंबे समय से बबलू की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी और अभी भी, चूंकि ये घना जंगल जैसा इलाका है, कुछ खेत हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ जंगल जैसा इलाका है और ऐसे में बदमाश इसी बात का फायदा उठाते हैं, खेतों में अक्सर छिप जाया करते हैं। यहाँ थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी रहता है क्योंकि कई लोग ग्रामीण इलाकों में खेतों में कई बार काम कर रहे होते हैं, इसीलिए प्राथमिकता ये भी है कि जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है और साथ ही साथ गैंगस्टर तक भी पहुंचना है। हालांकि जो मुख्य गैंगस्टर है यहां पर बबलू, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। बबलू से पूछताछ में और बाकी साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश यहां गुरदासपुर पुलिस की तरफ से होगी। पुलिस और गैंगस्टर के बीच में ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी बबलू की हो गई है। गुरदासपुर पुलिस अब फिलहाल मौके पर मौजूद होकर और सर्च ऑपरेशन चलाकर ये जान लेना चाहती है, ये समझ लेना चाहती है कि किसी भी तरह से यहाँ आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे, ऐसा ना हो कि बबलू का कोई और साथी जो दूसरा गैंगस्टर हो वो यहाँ खेतों में छिपा रह जाए। और इसीलिए अभी चूंकि दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में रोशनी भरपूर होती है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो कामयाबी मिलेगी भी, क्योंकि अगर अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे घंटे बीतेंगे, अब चूंकि सर्दियां नजदीक हैं, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, इसीलिए वक्त रहते सर्च ऑपरेशन पूरा कर लेना चाहती है गुरदासपुर पुलिस। और इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा भी रहा है, मुठभेड़ की ये घटना यही इसी